नटराज कौंधियारा ब्लॉक में मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज में देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के दुर्घटना में अकस्मात शहीद हो गए। सभा के प्रधानाचार्य प्रदीप सिंह व विद्यालय के शिक्षक तथा छात्रों में मोमबत्ती जलाकर गवर्नर जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा के जनरल रावत तथा अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा सैन्य अधिकारियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा का संचालन अमित कुमार पांडे ने किया। सभा में सीता देवी, विजय शिवसागर, ओझा, आशीष तिवारी, रवि प्रकाश पांडे आदि शिक्षक उपस्थित थे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट। प्रयागराज कौंधियारा ब्लॉक में आए हैं और कौंधियारा श्री मोतीलाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जो ये श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, इनके बारे में क्या क्या जानकारी है आपको? जी, ये पहले सीडीएस हैं हमारे देश के। इसके पहले हमारे यहाँ सेनाध्यक्ष तीन होते थे, वायुसेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष। अब इन तीनों स्टाफों का एक अलग से एक अधिकारी बनाया गया जो तीनों को गवर्न करने वाले हैं, जो सूचना शासन को तीनों से सूचना लेने के बाद उस बात को आगे बढ़ाते थे और देश की सुरक्षा के लिए निर्णय लेते थे। अच्छा, ये आप यहाँ छात्र भी थे, उनको मतलब इनके बारे में आपने जानकारी दी? जी, उनको क्या बताया गया? यही बताया गया कि ये इनके लिए श्रद्धांजलि है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 11 सैन्य अधिकारियों और ये परिवार सहित शहीद हुए हैं, ये जानकारी उनको बताई गई। और इनके बारे में आप पास क्या जानकारी है? पहले सीडीएस हैं यहाँ भारत के। पहले ये पद नहीं हुआ करते थे। ये नया पद सृजन किया गया है और इस पद पे इनकी प्रथम नियुक्ति हुई है, इसके पहले ये पद ही नहीं था। आप इस कॉलेज के क्या हैं? प्रधानाचार्य। नाम क्या है? प्रदीप कुमार सिंह। तो आप देख सकते हैं कि इंटर कॉलेज में आए हुए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पण किया। प्रयाग एक्सप्रेस से, प्रयाग न्यूज़ से, जय हिंद, जय भारत।